आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर, मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे, देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, नमस्कार, स्वागत है आपका चाचा भतीजे में। मारा चाचा आ गयो फटके लगाने। चाचा से लेते हैं आज के कुछ समाचारों पे फटके। चाचा, आज का पहला समाचार ये है कि वर्ल्ड कप भारत के जीतने की खुशी में जमकर नाची सोनिया गांधी। क्या बात है! देखा, देवर शरद का दाव आखिर नचा ही दिया ना सोनिया भाभी को। चाचा से अगला समाचार, भारत ने वर्ल्ड कप जीता, पूरे देश ने जल्लोश मनाया, दिवाली मनाई और कई नई नई चीजें सामने आने लगी, कई डिमांडें आने लगी, कई राज्य सरकारों ने जीत की खुशी में कई खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के इनाम भी घोषित किए। अब बाबा रामदेव कहते हैं कि सचिन को भारत रत्न दिया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। वही बाबा रामदेव, वही ना भाई साहब। मेरे तो रामदेव बाबा समझ में नहीं आए, ये बोलते क्या, ये करते क्या, ये सोचते क्या। अब आप बताइए कि क्रिकेट का गेम ये हिंदुस्तानी गेम है क्या, भारतीय गेम है क्या, देसी गेम है क्या अपना? नहीं, तो ब्रिटिश गेम है, विदेशी गेम है। तो देसी के चाहक, हाँ, देशी के प्रशंसक, देशी के लिए काम करने वाले बाबा रामदेव विदेशी गेम को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सचिन को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। अब कहां तक सही है ये? अरे आपको करना ही था तो कोई देशी गेम के लिए करते, कबड्डी के लिए करते, हुतुतु के लिए करते, आखिर कुछ नहीं तो गिल्ली डंडा के लिए करते। नहीं पटी आपकी बात? अमरावती महानगर पालिका के 4 जोनों का सभापति, उसका निर्वाचन होना, उसका चुनाव होना था। भाजपा ने एक व्हिप जारी किया था कि भाजपा के जो भी नगर सेवक हैं वो मतदान न करें। मतदान करो क्या, मत करो। आपकी रेत की दीवार खसकती हुई नजर आ रही है। और चाचा ने कल बड़ा प्यारा फटका लगाया था पूनम पांडे पे। पूनम पांडे ने जिस तरीके से घोषणा की थी, जिस तरीके का ऐलान किया था कि भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीतेगी तो वो न्यूड होकर सामने आएगी। कल हमने आपको एक प्यारा सा गाना दिखाया था कि तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता हूँ यहाँ। काफी जनता ने उसे पसंद भी किया, उस फटके को काफी पसंद किया। आज का समाचार ये है पूनम पांडे से रिलेटेड कि पूनम पांडे का एक बयान सामने आया कि पूनम पांडे कहती हैं भारतीय क्रिकेट टीम के उनका स्वास्थ्य ठीक, उनकी सेहत ठीक रखने के लिए मैं न्यूड होना चाहती हूं। भतीजे भाई है, हाँ, लड़की है, अब उसको जानकारी नहीं है कि न्यूड स्त्री को देखे बाद में पुरुष कितना स्वस्थ रह सकता है, इसकी जानकारी लड़की को नहीं हो सकती। देश का गौरव, देश की शान माने जाने वाले दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल। अगला समाचार है ताजमहल का कि खतरे में है ताजमहल। एक शहंशाह ने बना के ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजा। क्या बात दोस्तों, ये जब से निर्मित हुआ ताजमहल,
तब से सदा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके पीछे चलते ही रहे। कभी धुएं से काला हो रहा, तो कभी आतंकवादी साया मंडरा रहा, अब यमुना का पानी दूर चला गया। ये सदा प्रॉब्लम ही रहेंगी, कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज होना जरूरी है। भारत ने वर्ल्ड कप जीता, भारत को ट्रॉफी भी मिली गई। 28 सालों के बाद देश का सपना पूरा हुआ। लेकिन बवाल एक मच रहा है कि जो ट्रॉफी आईसीसी ने दी है वो ट्रॉफी नकली है। अब इसके पीछे का हकीकत अभी तक सामने नहीं है। आईसीसी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रॉफी असली है, लेकिन मीडिया में जो खबरें चल रही कि वो ट्रॉफी नकली थी, कस्टम में अटकी है ओरिजिनल ट्रॉफी। चाचा से लेते हैं इस सारे समाचार पे फटका। देख भाई, ये मीडिया में एक ही आदमी बोमला है जी। आपने को तो ये बात पसंद को नहीं आई, कारण कि थाने अलाउ नहीं कियो तो तू दुश्मन ही निकाल रही हो। अब कोई पारस कहीं क्या बोले, कसौटी लेके तो जाके वो लगा के देखेगा नहीं कि सच्ची है कि खोटी है। ये तरीका बहुत गलत है। तो जी बाबा, यहां आप चुक गए, अपनी गलती सुधार लो पहली बात। और दूसरी बात, अरे भाई फुकट में मिली है ना, महंगी थोड़ी है। अगला समाचार, मनपा आयुक्त तेली समाज की मांगे पूरी करे, कहते हैं जयंत ओतकर। ओतकर जी। जयंत भाऊ, अरे जयंत भाऊ, मनपा सोना जी, सारी मांगे तभी पूरी हो सकती है जब उनकी मांगे महानगर पालिका का बजट पेश हुआ। बजट में 3.25 करोड़ रुपए का टैक्स छुपाया गया। समाचार ये है कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी अब मनपा के आयुक्त बने, ऐसी जनता की मांग। ये जनता में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके ख्याल में नहीं आ रहा, अरे भाई बड़े कांटों की कुर्सी है अमितेश जी की, और शांति से बैठे हैं, बैठ लें दो। वहां मनपा वाले 5-10 मिनट भी नहीं टिकने देंगे अमितेश जी को, सारी चालें धरी रह जाएंगी और बोरिया बिस्तर बांध लेना पड़ेगा उनको। भारतीय टीम ने विश्व कप जीता, लोग सड़कों पर निकले, इसमें बॉलीवुड भी कहीं पीछे नहीं था। बॉलीवुड के कई नेता अभिनेता सड़कों पर दिखाई दिए, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ लेकर शाहरुख खान भी दिखे। अपनी बीवी के साथ गाड़ी पर चढ़ के उन्होंने रोडों पर काफी मस्ती की, डांस किया, नाचे झूमे। उनके हाथ पे लिखा हुआ था डी। अब इस डी का क्या मतलब, ये समाचार है, चाचा से लेते हैं इस पे फटका। अरे क्या आया, भतीजे बना हुआ था डी का। अरे भतीजे, डी में कुछ भी हो सकता, डी यानी डोंकी भी हो सकता, डी यानी डार्लिंग हो सकता, डी यानी दाऊद हो सकता, कहीं फालतू टाइम खराब करे तू, अच्छा काम में ध्यान दे। अप्रैल माह 6-4 यानी 6 तारीख अप्रैल महीने की, इसी दिन हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, और भाजपा मनाएगी अपना स्थापना दिवस। भतीजे, अगर इसी तरह अभी जैसी चालू है खिंचातानी, अगर वो ही कायम रही भाजपा में, तो इन्हें इनका क्लोजिंग डे भी जल्दी मना लेना पड़ेगा। छह अप्रैल को हमारे शहर के बड़नेरा के विधायक रवि राणा जी, इनकी धर्मपत्नी
नवनीत राणा जी का भी कल 6 तारीख को जन्मदिन है। वाह, एक मिनट रुक, आगे समाचार मत पढ़, मैं बाद में भूल जाऊंगा, आपको बता देना चाहता। मेरा समाचार ताबड़तोब, हमारे जनाब जो हरदम अखबारों में बड़े बड़े लोगों के जन्मदिन की शुभकामना देते रहते, पहचान गया ना, समझ गया ना, हाँ, तो कम से कम जनाब साहब को याद दिला दो अपना ये कार्यक्रम देखेंगे वो, कि भाभी के, नवनीत भाभी के जन्मदिन के पोस्टर कब लगवाओगे, ताबड़तोब बनवाओ, ताबड़तोब बनवाओ, लगाओ अखबारों में दो, भाई साहब इतना ही तो काम है आपको जनाब। अगला समाचार ये है कि भारत वर्ल्ड कप जीतने के बाद, मैच खत्म होने के बाद, इस मैच को देखने आए वीवीआईपी में राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी मैच देखने के बाद सलमान खान के घर पर गए और वहां पे उन्होंने बांद्रा के उनके घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 घंटे बिताए और वहां जश्न और खुशियां भी मनाई। समाचार यही है, समाचार पे लेते हैं चाचा से फटका। खुशियां मनाई वो बात बराबर है, ठीक है वहां तक। इधर दो क्रिकेटर शादी करने जा रहे तो राहुल जी पूछने गए सलमान से कि भाई तू कब शादी कर रहा है। दो मोस्ट बैचलर ऑफ अपन, वो उनको दो को उधर निपटने दे, अपन दो इधर निपट लेंगे, वही बात थी और कोई नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल स्टेटमेंट दिया कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे यूएस के प्रेसिडेंट का। वाह, क्यों ना लड़े भाई, अरे मेरे गली का कल्लू कव्वाल, ये मनपा का चुनाव खड़ा हमेशा से लड़ता आया है और आज जीवन लड़ेगा चाहे हारे के ना, क्योंकि सबको मालूम है क्या क्या होता है, कौन छोड़ता है भाई। अगला समाचार यह है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, आफरीदी ने एक बयान दिया था कि भारतीयों से इतनी नफरत क्यों, लेकिन उनका बयान से वो अपने पलट गए। उनका दूसरा बयान ये आ रहा है कि भारतीय नहीं है संबंध बनाने लायक। क्या कहोगे चाचा इसको? तो यही बोलूंगा बेटा मैं, खिसियानी बिनली खरमा नोचे। चाचा से लेते हैं अगले समाचार, तो बहुत हो गया, अगले शेर पे फटका। चाचा हमारा शेर पे भी फटका लगाने लग गया, अब शेर पे फटका लगाएंगे। शेर मैं आधा पढ़ता हूँ, आधा शेर चाचा पढ़ेंगे, यानी एक मिसरा मैं पढ़ता हूँ आगे का। चाचा, मेरा दिल तुम्हारे दिल के बराबर नहीं हो सकता, मेरा दिल तुम्हारे दिल के बराबर हो नहीं सकता, कद्दू मेरा टमाटर तेरा हो नहीं सकता। वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता, ये सीढ़ी हो नहीं सकता, वो ट्रैक्टर हो नहीं सकता। हुस्न मेहरबान होता है भीख नहीं देता, कंसेशन देता है लोन नहीं देता। चाचा से फटके लगते रहेंगे। चाचा से आज पूछना हम भूल गए कि चाचा का भतीजा दूसरा कहां गया। चाचा वही काम से, उसके एक ही काम बच गया है उसको, अभी उसके दिमाग में, और जैसे अभी भारत के, पूरे भारत के जनता के दिमाग में वो मैच का जुनून भरा है वर्ल्ड कप का, वैसे इसके दिमाग में शादी का जुनून भरा है अभी। मेरे चाचा फटके लगाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका इतना प्यार हमें मिल रहा है, आपके इतने सारे प्यार भरे SMS हमें मिल रहे हैं, हम आपके उम्मीदों को पर पूरा पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे अगले एपिसोड में, धन्यवाद। भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा।